नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री, जिसको आप नीचे जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरे सामने ये एक हाथ कनिष्ठा उंगली बिल्कुल पहुँच गई है सूर्य के पहले पद तक। बहुत झुकाव है सूर्य की तरफ। सीधी सीधी बात है, व्यक्ति अपनी बुद्धि की उंगली को बहुत ज़्यादा चिपकाए हुए है सूर्य की उंगली के साथ। यानी कि अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा व्यक्ति यश प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है और भगवान की कृपा से काफ़ी कुछ कर भी जाता है। तो अच्छी उंगली इनके पास में, इनके पास बौद्धिक क्षमता की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। लोग इनकी बात को समझते हैं और ये लोगों की बात को सही रूप से समझ के सटीक जवाब देना इनके पास इनको आता है। आइए बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम सही खड़ी हुई है। उंगली का ज़्यादा इस तरह सूर्य की उंगली का आप सीधा खड़ा होना शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण होता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अपने अंदर गुमान पैदा कर लेता है, कुछ गर्व हो जाता है, कुछ घमंड हो जाता है, जिसके कारण ये जो गैप बीच का बना हुआ है इस बात को प्रदर्शित करता है। जो आपका सवाल भी है उस सवाल का एक सवाल का जवाब भी मैं दे दूं, माँ बाप का सहयोग होगा कि नहीं। देखिए, यहाँ अगर ये जो गैप आ जाता है तो ये गैप अपने परिवार के माँ बाप से व्यक्ति को अलगाव दिलाता है, टकराव दिलाता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो पैतृक संपत्ति भी यदि हो तो व्यक्ति को उसमें भी वो हक नहीं मिलता जो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक तरह से माँ बाप से टकराने का एक सिंगल यहाँ पर ये मिला। आइए बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली यहाँ पर सीधी खड़ी हुई है, जो इस बात को दर्शाती है कि आपकी जो कुंडली है या आपका जो भी कुंडली में लिखा हुआ उसमें कुल मिलाकर के शनि का रोल अच्छा है। शनि यानी कि आपके पास में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, ये आपके साथ अनुकूल रहेगी और धन के लिए शनि की उंगली का होना बहुत अच्छा जरूरी है, तो धन भी ठीक है। बात कर लेते हैं बृहस्पति की उंगली। ये बृहस्पति की उंगली और ये बृहस्पति की उंगली पर ये इस प्रकार के ये कट नीचे भी दिखाई देते हैं। यानी कि मैं सही बात कहूँ, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन तो कमा लेता है और धन कई बार जब उंगली इतनी ज़्यादा लंबी होकर के शनि के पास चली जाती है तो नंबर दूसरे दो नंबर के रास्ते से भी आदमी धन कमा पाता है। लेकिन नीचे का जो गैप है ये इस बात को दर्शाता है कि ऐसी बात नहीं है, ये व्यक्ति अपने पैसे को बहुत तबीयत से खर्च भी करने वाला दिलदार किस्म का व्यक्ति होता है। तो चलिए, ये सब बातें हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ उनके बुध पर्वत की। ये बुध पर्वत और यहाँ पर बुध पर्वत यहाँ पर अनुकूल है। जब बुध पर्वत अनुकूल है, साथ साथ खड़ी हुई रेखाएं भी हैं, तो मैंने ज्ञान का टावर भी अच्छा हुआ और ज्ञान का पर्वत भी अच्छा हो गया। साथ ही साथ ये धन के लिए धन की रेखाएं भी कहलाती हैं, अच्छे सिंबल हों। और सूर्य पर्वत से धन पर्वत को जाने वाली रेखाएं, यानी कि राज्य सरकार से भी व्यक्ति धन कमाने में समर्थित होता है। आइए बात कर लें सूर्य पर्वत की। ये सूर्य पर्वत था ऊपर और ये नीचे यहाँ पर मछली सी नज़र आएगी आपको। स्वतंत्र मछली तो नहीं है लेकिन मछली का रूप मैं मानता हूँ और अच्छा सहयोग बता रही है, ऊपर की तरफ देख रही है। यानी कि आप अपने जीवन में, आपने मुझसे पूछा एक और सवाल, वो भी उसका जवाब भी मैं यहीं पर ही दे करके जा रहा हूँ। आप अपने जीवन में राजनीति बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आप राजनीति के द्वारा अपने जीवन में थोड़ा सा घमंड के लिए मैंने ऊपर ठीक कहा था कि जरा थोड़ा घमंड हो जाता है, लेकिन यहाँ राजनीति के सिग्नल बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार से यदि वो चाहता तो मेहनत करता अपने जीवन के अंदर, तो निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकता था। लेकिन जॉब यदि प्राप्त ना करे तो ऐसा व्यक्ति राजनीति से, राज्य सरकार से लोन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, राजनीतिक पद हैं और साथ ही साथ टेंडर हैं गवर्नमेंट के, वो सब लेने में समर्थ और बहुत ही अच्छा ये पर्वत इनके पास इस चीज़ के लिए है। अब एक और पर्वत की बात कर ले, इसको बोलते हैं यहाँ शनि पर्वत। शनि पर्वत धन का पर्वत कहा जाता है। अगर हाथ के अंदर दो ही ऐसी रेखा खड़ी मिल जाए तो ही व्यक्ति करोड़ रुपये में पहुँच जाता है। आपके पास ये करोड़ों का सिंगल यहाँ पर दिखलाती हुई उंगलियों पर, ये निश्चित रूप से पक्की बात है कि 55 वर्ष के बाद आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास में धन संपत्ति कितनी है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये अपने आप में
एक बहुत ही अच्छा सिग्नल आपके शनि पर्वत पर भी मिला। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व से एक मछली बड़ी जो है वो देख रही है बाहर की तरफ। जब इस तरह की यहाँ पर ये देखें, एक तरह से ये मछली सी बनी हुई है, ये यहाँ से ये इधर को जाकर के नीचे को जाकर के ये शायद यहाँ खड़ी हुई। चलिए तो यहाँ इस तरह की दर्शित दिखाती है, हालांकि स्वतंत्र नहीं है, लेकिन जब ये सिंबल्स जो होते हैं यहाँ नीचे क्रॉस बनाते हैं और उसके बाद उधर को देखते हैं, तो आप अपने जीवन में कम से कम मैं समझता हूँ कि कई संपत्तियों के मालिक आप अपने जीवन में होंगे, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। साथ ही साथ ज्ञान पर्वत से देखती हुई रेखाएँ ये शनि पर्वत को देखते हैं, यानी आप अपने ज्ञान से धन कमाएंगे, ये भी यहाँ पर दर्शाती हुई आपकी पर्वत। अब बात हो गई अगली आपके, यहाँ इसको बोलते हैं विवाह रेखा, आपके हाथ के अंदर मैंने देखी हल्की हल्की सी तीन विवाह रेखाएँ वहाँ पर नजर आई, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कोई जीवन में तीन विवाह का योग है, इसका मतलब ये है जीवन के अंदर कि यहाँ पर आपका कोई रिश्ता होकर के टूट जाए ऐसा, या कई बार ऐसे सिंपल्स आगे मैं अगर देखता हूँ बुला करके हृदय रेखा को अगर देखता हूँ तो हृदय रेखा से ये सिंपल्स बहुत ज़्यादा अच्छे सिंबल नहीं है। ये इस बात को बताते हैं कि आपको जीवन में हृदय रेखा जो इतनी सारी रेखाएं जब कट रही हैं तो वो अपने आप में बताती हैं कि आपको जीवन में पत्नी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मंगल पर्वत से भी एक रेखा आकर के यहाँ पर काट रही है, तो ये भी अपने आप में सिंबल अच्छा नहीं है, यानी कि पत्नी के साथ संबंध कुल मिलाकर के अच्छा हाथ ये नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका दूसरा मैंने आपको बताया, पूछा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको आपका तो जीवन, तो मैंने बता आपका सवाल है कि जीवन कैसा। जीवन बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 55 वर्ष के बाद तो मैंने बता ही दिया कि बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा के ऊपर ये यहाँ तक जाती हुई रेखा बिल्कुल पूरे पर्वतों को पार करके आपके चंद्र पर्वत पर पहुँच गई है। ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक यश प्राप्त करता है अपने मस्तिष्क रेखा के द्वारा, साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति अच्छे खासे धन भी प्राप्त करता है। तो यहाँ बहुत अपने आप में एक मंगल पर्वत से यहाँ से निकल करके ये मंगल पर्वत और मंगल रेखा यहाँ पर ये रेखा जा रही है, यानी कि जमीन के कार्यों से भी लाभ। और यदि यहाँ शुक्र पर्वत से निकलती रेखा को देखें तो एक शुक्र पर्वत की रेखा ने यहाँ से जा करके इसको भी जा करके बुध पर्वत तक और यश पर्वत तक पहुँचाया। यानी कि आप सही पूछो तो अगर औरत के नाम से या सौंदर्य प्रसादन के क्षेत्र से भी व्यक्ति ऐसे कार्यों से भी जुड़ करके भी व्यक्ति पैसा कमा लेता है, तो कुल मिलाकर के यहाँ बहुत ही अच्छे इंडिकेशन बुद्धि रेखा के मिले और व्यापारिक दिमाग की रेखाओं के मिले, शुक्र पर्वत से मिले, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाता है, विदेशों से धन कमाता है। ऐसी रेखाएं आपके हाथ के अंतर्गत काफ़ी देखने को मिली और इधर चंद्र पर्वत पर भी इस प्रकार की यह रेखा यहाँ पर भी आकर के ये यहाँ करके इस तरह से मिली है। तो दूर स्थानों से जुड़ करके आप काफ़ी कुछ धन कमाने वाले हैं, ये भी यहाँ पर दिखलाती हुई बात रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ अच्छी मस्तिष्क रेखा ने आपका यहाँ पर आपको सहयोग किया है। तो जीवन में ये सब आपने पूछा, दूसरा सवाल है आपका काम कैसा। तो काम कैसा के लिए और धन कैसा के लिए मैं सवाल देखने वाला हूँ आपकी रेखाओं को, जिसको बोल देते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा यहाँ जुड़ करके निकली आपकी आयु रेखा से, एक यहाँ अंदर से यानी स्त्री पर्व से, यानी कि कई बार मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों को जो ये शुक्र रेखा एक यहाँ से निकली थी और एक यहाँ से निकली है, ये ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से भी मोटा धन प्राप्त होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट करने वाली रेखाएं ये आपको बताती है कि आप विदेशों के साथ साथ पत्नी से भी सहयोग मिलने वाली यहाँ पर ये रेखाएं अपने आप में दर्शती। तो ज़िंदगी में धन बहुत अच्छा धन वो तो मैंने आपको बता दिया, 55 के बाद तो आप पता भी नहीं रहेगा आपके पास मेरे पास कितना धन है। इतना ज़्यादा धन होगा आपको कि उसका आप हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे, संपत्तियों के रूप में, जुड़ने के रूप में, सोने चांदी के रूप में। तो ये सब चीज़ यहाँ पर दर्शाती हुई बहुत अच्छी रेखाएं आपकी मेरे हाथ में देखी है।
अब आपने पूछा है एक सवाल, कोर्ट केस होगा या नहीं। आइए मैं बताता हूँ कि कोर्ट केस, ये देखिए मंगल रेखा पर एक ये दीप बना हुआ है, ये दीप मंगल रेखाओं पर, ये दीप यहाँ पर, जब ये दीप बना है और ये दीप जाकर के पीछे यहाँ से मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनके पैतृक रूप से, इनके परिवार से ही लोगों मुकदमे की स्थितियाँ चलती हुई आ रही हैं। कई बार लोगों को देखा गया है कि वो अपने परिवार में स्वयं जमीन जायदाद से मुकदमे उनको जो है पैदाइशी मिलते हैं, या यहाँ पर ये जो दीप है इस बात को बताता है कि आपके जीवन में निश्चित रूप से मुकदमे होंगे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं है, मुकदमों का सामना तो आपको जीवन में चलता ही रहेगा, ये यहाँ पर स्थिति बताती है। उन्नति जीवन में कम, बहुत ज़्यादा उन्नति की यदि के बात कर लेते हैं भाग्य रेखाओं की, तो भाग्य रेखा तो आपके जीवन में एक काम की नहीं, दो दो तीन तीन चार चार जगह से दिखाई देती है कि आपको दो दो तीन तीन चार चार माध्यमों से धन है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा धन की आवश्यकता की अगर बात करते हैं, तो इस समय आपकी 49 वर्ष की उम्र है, और 49वें वर्ष के बाद यदि मैं बात करूं तो आपके जीवन में अभी भी आप कई संपत्तियां लेने वाले हैं, और यहाँ पर ये आपका 49वां वर्ष है इस जगह पर जहाँ पर ये रेखा काटेगी। तो ये जहाँ रेखा काट रही है ये आपके जीवन का 49वां वर्ष है, और इसके बाद भी दो खड़ी हुई रेखाएँ हैं। हाँ, कुछ राहु रेखाएँ हैं, कुछ मुकदमे हो सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के धन संपदा आपकी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। फुल उन्नति की बात करें, जब आपके पास टेंशन ही नहीं होगी, वो होगा 55 वर्ष के बाद। चलिए, संतान सुख, पत्नी सुख, देखिए पत्नी मैंने बता दिया, पत्नी के साथ तो आपके रिश्ते अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर के संतान सुख की बात कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं आपका शुक्र पर संतान की रेखा है। चलिए यहाँ चलते हैं, और यहाँ देखने में अगर मैं देखूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं आपके यहाँ से 2 से 3 संतान, तो निश्चित रूप से ये आपको संतान का सुख देने वाली रेखाएं हैं। एक रेखा और बोलता हूँ, बहुत बढ़िया रेखा आपके हाथ के अंदर है, वो रेखा है आपके पास में, इसे बोलते हैं हम संजीवनी रेखा। जब जब हाथ के अंदर ये रेखा होती है व्यक्ति के पास में, तो पूरे जीवन व्यक्ति के पास एक कवरेज, कहते हैं कैसे किसी के पास बॉडी गार्ड होता है कि पहले गोली आप पर बाद में आएगी, पहले बॉडी गार्ड कहेगा मुझको लगी, मुझे लगी गोली जब इनको। तो ये रेखाएं अपने आप में बहुत शानदार रेखा, जो इस बात को दर्शाती है कि आपको जो है जीवन में जो मुसीबतें कितनी भी आए उनसे निकाल करके आपके प्रिय संजीवनी रेखा ले जाएगी। तो ये आपके पास बहुत ही सुंदर रेखा, और संतान से सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो और बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर मान सम्मान की, तो मान सम्मान के लिए मैंने सूर्य पर्वत पर पहले ही बता दिया है आपको कि बिल्कुल राजनीति करते रहिए, बहुत ऊंचा मान सम्मान आपको जीवन में मिलने वाला है। लग्जीरियस जीवन की बहुत अच्छी सुंदर रेखा है आपके पास, लग्जीरियस जीवन वर्तमान में है, आगे भी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर के सारे पर्वतों को, सारी उंगलियों को देखने के बाद इस बात का फल मिला कि मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी आपके जीवन में जो फल मैंने बताए हैं वो उसके अनुकूल ही रहने वाले हैं। तो आप अपने कार्य पर लगे रहिए, और ज़्यादा ऊंचाइयों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा, शायद आपने ये पन्ना पहन रखा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पन्ना आपको पहनिए। अगर आपने मोती भी पहन रखा है तो भी ठीक है, शनि का छल्ला है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपका जो रत्न बनता है वो बेहतरीन फोकराज, आप यहाँ देखें थोड़ा सा, हाँ ये आपका रत्न जो बनता है वो आपका फायर ओपल बनता है। एक फायर ओपल इस में पहन लीजिए, ये आपके राजनीतिक क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपके पास धन संपदा, आपके पास संतान सुख, पत्नी का सहयोग, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। एक बेहतरीन फायर ओपल पहनिए, पूजा में कुछ नहीं करें तो रोजाना सिर्फ आप बस कुछ मत करें, सिर्फ संकट नाशन गणेश सूत्र, संकट नाशन गणेश सूत्र ये पढ़ लें, और एक आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत राजनीति में उच्चता लाने के लिए होता है, तो एक आदित्य हृदय स्रोत और एक संकट नाशन गणेश स्रोत, तो ये आप यहाँ इतना वर्क कर लीजिए, आपके जीवन में उन्नति प्रगति प्रमोशन सब चीज़ आपको मिलेगी, यश प्राप्ति आपके साथ रहेगी, यही मेरे आपका हाथ भी कहता है, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।